जिनका कोई नहीं उनका अल्लाह, और अल्लाह ने अपने लिए अपनी मखलूक के लिए कश्मीर के लिए फलस्तीन के लिए किबला अव्वल के लिए मस्जिद नबी के लिए हरम शरीफ के लिए और नामूज़ रिसालत के लिए किसको चुना, किसको चुना, किसको चुना? मेरा तेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या? देखिए जी, मेरा अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ है पाकिस्तान की खिदमत करना, उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ के आया। आज हमें अपने गरीबानों में देखना होगा कि मैं क्यों इंसान की पूजा कर रहा हूं। आज अगर मुझे नफरत है क्योंकि ला कहता है नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह कहता है मेरे खिलावा किसी से मत मांगो क्योंकि मैं देने वाला हूं, रब कहता है और कुरान अल्लाह कहता है मैं गैब कहलाने जाने वाला हूं, तमाम बादशाहते मेरी है, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं मदद करने वाला हूँ, मैं मूसा अलैहि सलाम को दरिया नील के समुद्र के दरिया के बीच में रास्ता देता हूँ, मैं इब्राहिम अलैहि सलाम को आग में बचाता हूँ, मैं यूनुस अलैहि सलाम को मछली के पेट में बचाता हूँ, मैं यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में बचाता हूँ, मेरी बादशाह तमाम बादशाहतों से बढ़कर है। ए बनी आदम, ए मेरे मानने वाले, तुम घोड़े से सबक क्यों नहीं सीखते? घोड़ा एक जानवर है, दुश्मनों की फौज में घुसता है नेजों से तलवारों से, फौज की वहशत से नहीं घबराता, तुम्हारे इशारे पे फौज को चीरता हुआ गुजरता है। ए मुसलमान, ए बनी आदम, तुम अल्लाह के अहकाम को क्यों झुठलाते हो? क्यों इंसान से होने का यकीन करते हो? क्यों मत से होने का यकीन क्यों नहीं करते? जब होने का यकीन अल्लाह से करोगे आप तो क्या, आपकी माओ बहनों मेरी माओ बहनों को तो क्या, हमारे बुजुर्गों की तो क्या, हमारे असलाफ की क्या, हमारी इस धरती माँ की क्या, हमारे जानवरों की इज्जत भी और अपरम भी कब करेगा? मांगो अल्लाह से, अल्लाह शरिया अफरीदी का भाई फौत हो जाता है, शरियार अफरीदी को इजाजत दी जाती अपने भाई की फौत की उसके जनाजे पे जाया जाए। उम्मत मुस्लिमा के लीडर के साथ जो कल हुआ सुनने में आ रहा है कि उनके सर पे भी चोट है और उनके पांव पे भी, ये कहां की इंसानियत है?